धर्म की नगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन किया। मौके पर उनके साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी सहित कई मंत्री नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वीणा निर्माता राम सुतार से भी मुलाकात की। इसके बाद वो रामकथा पार्क के लिए रवाना हो गए। लोकार्पण समारोह में लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद रहे। अब से रामनगरी का नया घाट बंधा चौराहा लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। मुख्य कार्यक्रम स्थल रामकथा पार्क में लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वीडियो संदेश भी दिया। दरअसल अयोध्या में स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर चौक का निर्माण सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र को 7.9 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से विकसित किया है। चौक में 14 टन वजनी और 44 फीट लंबी वीणा को लगाया गया। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले मूर्तिकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम सुतार ने वीणा बनाया, जिसमें कमल के पुष्प माँ सरस्वती का चित्र उकेरा गया। ये काम 2 महीने में पूरा हुआ। ये स्मारक पर्यटकों और संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होगा, जबकि देश का पहला स्थान होगा जहां अमर सुरीली आवाजों को शहर से जोड़ने के लिए इतना विशाल संगीत वाद्यंत्र स्थापित किया गया। समारोह में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, सांसद लल्लू सिंह, प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आदि मौजूद रहे। लता मंगेशकर जी नाम से जो चौक का नाम रखा गया है, अपने मोदी जी ने इसका शायद शुरुआत की थी कि रखा जाएगा लता मंगेशकर जी नाम से, और योगी साहब ने उसी हिसाब से इस चौक का निर्माण करवाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वीणा है, 40 फुट लंबी वीणा है, इसकी चौड़ाई 10 फुट है और ये करीब 14 टन वजन है इसका, जिसमें ब्रॉन्ज और स्टील दोनों मिलाकर वजन है। और पूरा चौराहा है, बहुत अच्छी तरह से पत्थर का पूरा बना के सजावट की गई है और मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा ये, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग हैं ये सब भजन सुनते रहेंगे जो लता मंगेशकर ने गाए थे। मेरे ख्याल से यहाँ बैठने की अरेंजमेंट भी की गई है, तो लोग आराम से बैठ के ये पूरा साउंड सिस्टम को भी एंजॉय करेंगे और रात के समय में इस वीणा पर जो लाइटिंग होगी और जो इसमें जो कमल के फूल बने हुए हैं, 92 कमल के फूल बनाए गए हैं जो उनके एज को दर्शाता है कि 92 साल में उनकी मृत्यु हुआ था, तो मेरे ख्याल से पूरी एक डेकोरेट करके बहुत बहुत अच्छा एक फोकस बन गया है अयोध्या का। अयोध्या के अंदर एंटर करते ही यदि आपको ऐसा वातावरण मिले तो मेरे ख्याल से पर्यटक बहुत खुश होंगे और आनंद लेंगे।